गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कल देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो किस तरीके से निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वो किस तरीके से निकालते हैं, वो हमने इसमें देखा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस, अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास वो गुड्स आ जाएगा जो आपका सेल के लिए है, यानी कि आपने बनाया होगा। तो आप अगर कोई भी सामान बनाते हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? अब फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने कल भी बताया था, अगर आप घर में या एक फ़ोन भी बना रहे हो, चलो एक फ़ोन बना रहे हो जब, तो उसको बनाने के लिए, उसको बेचने से पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना गुड्स है, कितने कॉस्ट ऑफ गुड्स है कि नहीं है, गुड्स की कितनी कॉस्ट है जो अवेलेबल है सेल के लिए। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 फोन हैं तो ये सेल के लिए अवेलेबल हैं, तो इनकी कॉस्ट कितनी है? तो ये अगर आपको निकालना है तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये सारी, ये तीनों चीज़ें प्लस करनी पड़ेंगी। अब ये प्लस क्यों करोगे, मेन चीज़ ये आती है। तो ये अगर आपने यहाँ पे 10 फोन बनाए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक 10 फोन आप लोगों ने बनाए, उस 10 फोन को बनाने की कॉस्ट कितनी है, तभी तो उसको बेचोगे, है कि नहीं है? जब उस फोन को आप बना दोगे तभी तो वो अवेलेबल होगा सेल करने के लिए। तो उसको बनाने के लिए आपका कितना खर्चा आया वो मेन है, तभी तो आप उसको बेचोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बेचना कितने में है। ऐसा थोड़ा है कि फोन 10,000 का है, आपको पता ही नहीं है कितना खर्चा आ गया और आपने इसको 100 रुपये में बेच दिया। बाद में जब आप टोटल करोगे कहोगे अरे एक फोन को बनाने में तो 4,000 रुपये आ रहे हैं, मैंने तो इसको 100 रुपये में बेच दिया, है कि नहीं है? तो ये कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक, यानी कि पहले से आपके पास जो सामान पड़ा है वो, तो वो कितने का था वो प्लस करना है, उसमें प्लस करना है नेट परचेज। अब नेट परचेज क्या होती है कि टोटल परचेज आपने कितनी करी, चाहे वो उधार में हो चाहे कैश में हो, कैसे भी करके। तो वो अगर ऐसे अलग अलग आपने कैश परचेजेस करी हैं तो उनको हम प्लस कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेट परचेज। तो नेट परचेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी भी टोटल परचेजेस हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने देखा क्रेडिट परचेज भी थी और कैश परचेज भी थी, तो क्रेडिट मतलब उधार की परचेज, कैश मतलब कैश की परचेज, तो इन दोनों को ही प्लस कर दिया नेट परचेज में। अगर दोनों में से एक ही होती, चाहे कैश परचेज ही होती, तब हम यहाँ सीधे कैश परचेज ही ऐड कर देते। ठीक है, प्लस वेजेस, अब उसमें हमने वेजेस भी ऐड कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि भाई उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेजेस दिहाड़ी भी लगी है। तो ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास पहले से थोड़ा रॉ मटेरियल था वो, थोड़ा जो आपने और खरीदा वो, प्लस जिसने उन मजदूरों ने उसको बनाया वो, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, बन जाएगा ना? तो जब इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी है, इतनी, इन तीनों प्रोडक्ट को बना, इन तीनों को जोड़ने के बाद जितनी कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे हमने देखा इन तीनों को जोड़ा तो कितनी आई कॉस्ट, 11,65,000 रुपये। तो यानी कि इन प्रोडक्ट की कॉस्ट, इनको बनाने की ही कॉस्ट कितनी आ रही है, 11,65,000 रुपये इनको बनाने की कॉस्ट आ रही है, यानी कि अब ये सेल के लिए रेडी हैं। तो जो भी आपके पास अभी सामान पड़ा है इसको बनाने की ही कॉस्ट 11,65,000 रुपये आई। अब जब हम इसको बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा में ही बेचेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये था पॉइंट था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने पूरे साल में कितना सामान बेच दिया, इसको कैसे निकालोगे, है कि नहीं? तो इसका भी वही है कि भाई शुरुआत में हमने जब बनाया तो वो सारी की सारी चीज़ें देखो, ओपनिंग स्टॉक जितना था हमें वो पता होना चाहिए पहले कि आपने सामान पूरा बेच कितना दिया। फॉर एग्जांपल आज सुबह आपके पास जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है, तो आपने पूरे दिन में कितना खर्चा कर लिया, या तो आप उन सारे खर्चों को ऐड करते चले जाओ कि मैंने 10 रुपये वहाँ खर्च करे, 5 रुपये वहाँ खर्च करे, फिर 50 रुपये वहाँ खर्च कर दिए, इस तरीके से हर खर्चा ऐड करो, या फिर ये देखो कि आपके पास अभी कितने रुपए बचे हैं शाम को। तो मान लेते हैं 100 रुपये आपके पास सुबह थे और शाम को आपके पास 20 रुपये बचे हैं, यानी कि मोटा मोटा आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। अब ये नहीं पता वो किस में खर्च किए, पर आपको ये पता चल गया मैंने आज पूरे दिन में 80 रुपये खर्च कर दिए हैं, समझ गए? तो ऐसे ही अगर हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरे साल की शुरुआत में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था,
ठीक है, हमने नेट परचेज कितनी करी और वेजेस कितनी थी, मतलब हमने उस प्रोडक्ट को जब बनाया तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सेल ये हमारे पास कितनी थी। तो पहले हम तो ये निकालेंगे। अब जब हमने 11,65,000 रुपये यहाँ पे निकाले, ऊपर वाले के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 11,65,000 रुपये आ गए। अब हम ये देखेंगे भाई हमारे पास हमने कितना सामान बेच दिया, तो हम ये देखेंगे हमारे पास कितने का सामान बचा हुआ है अब साल के एंड में, है कि नहीं है। तो हमने देखा, मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कितना था, 30,000 का, तो 30,000 का सामान बचा हुआ है। तो अगर हम 11,65,000 में से 30,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है, इतना 11,35,000 का सामान हमने बेच दिया, 30,000 का सामान अभी भी पड़ा हुआ है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम पूरे साल में हमने कितना सामान बेचा उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत। देखो बहुत सिंपल है ये, अगर आप डे टू डे लाइफ में भी करते ही हो कि आपकी शुरुआत में कितना था आपके एंड में कितना है, इनमें से इसको माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में आपने खर्चा कितना किया। ऐसे ही एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है वो है ये, तो ये यानी कि ये हमारी शुरुआत है। अब हमारे पास लास्ट में बचा है ये, तो यानी कि अब ये इतना ही हमारे पास बचा है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचा कितना है, कितना हमने बेच दिया, तो वो आ गया ये 11,35,000 का तो सामान हमने बेच दिया, तो बचे कितने, 30,000 रुपये, 30,000 का सामान हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉलो करते हैं, समझ में आई ये बात, क्लियर है। तो ये मैंने आपको दे दिया था, ये आप लोगों को करवा दिया था, ये आप लोगों ने निकालना था, ठीक है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं हम। अब हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट किस तरीके से फॉलो करना है, आपने बस फॉर्मेट पे ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही दी हुई रहती हैं। तो इसको हम जल्दी से रब कर लेते हैं भाई, इसमें बस ये है कि मेन फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मेट है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है तो आप इजीली इनको कर लोगे। और इसका बेसिक सा फंडा है ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी था मैंने आपको बताया था, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक तरीके से फैक्ट्री में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था, देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपने देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, इतना तो आपको लिखना ही है। तो आप सीधे जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा सेल, सेल रिटर्न, और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। मैं ऐसे रफ में लिख रहा हूँ, आप पूरा इसको फेयर करके लिखेंगे। अब देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000, तो हम सीधे यहाँ पे 25,000 लिख देंगे। फिर यहाँ पे है हमारा परचेज, हमने परचेज कितनी करी, देखो हमने परचेज करी है ये और ये, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे हम, परचेजेस लिखा हमने, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। आप चाहें तो इसको नीचे हेड बना के इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे परचेज, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कैश, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, ये आपने लिख दिया। फिर कैश में कितना था, 7,50,000 कैश में था आपका, 3 लाख का, सॉरी, क्रेडिट में 7,50,000, कैश में 3 लाख, ये उल्टा कर दिया मैंने, क्रेडिट कैश, ठीक है, इन दोनों को आप प्लस कर दो तो 7,50,000 ये आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, परचेज के बाद परचेज रिटर्न आते हैं, तो परचेज रिटर्न आप यहाँ लिखोगे, परचेज रिटर्न कितने की थी, 10,000 की थी, तो आपने 10,000 यहाँ किया, और फिर टोटल माइनस करके 7,40,000 आपने यहाँ बाहर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेल, सेल भी होगी कहीं, तो यहाँ पे भी देखो सेल दो हैं, क्रेडिट सेल और कैश सेल, तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही कर देंगे, सेल लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा कैश। तो क्रेडिट में कितनी सेल है, 12 लाख की है, तो यहाँ लिखेंगे 12 लाख,
यहाँ पे कैश सेल कितने की है, 4 लाख की है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 लाख, तो ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा 16 लाख। ठीक है, अब हमने कुछ रिटर्न भी करी है, तो सेल रिटर्न ये रही 50,000 की है, तो सेल रिटर्न 50,000 ये हमने कर दिया, और ये यहाँ पे 16, ये आ गया 15,50,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 30,000 रुपये का, वो 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर, अब ये सब लिखने के बाद और कोई चीज़ें बच रखी हैं, तो देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गई, सेल भी हो गई, वेजेस बची है। वेजेस किस साइड आती है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा है। तो यहाँ पे तो हमने देखा सेल, क्लोजिंग स्टॉक, सेल रिटर्न सब आ गया, इसके अलावा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ और आता है नहीं है। तो अब ये वेजेस जो है ये इसी साइड आएगी, और वेजेस यहीं पे आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्यों, क्योंकि मजदूरों को दिहाड़ी जो दी गई है वो यहीं आती है। तो हमने 1 लाख रुपये यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखे तो वेजेस भी हो गई, सैलरीज, सैलरीज यहाँ नहीं आती, ठीक, क्योंकि फैक्ट्री में मजदूरों को वेजेस दी जाती है, सैलरी नहीं दी जाती। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, परचेज सेल रिटर्न भी लिख दिया, परचेज रिटर्न भी हमने लिख दिया। तो बस सारी चीज़ें हो गई, अब इनको बैलेंस कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे दोनों साइड का बैलेंस किसका सबसे ज़्यादा है। तो 1 लाख और ये 7,40,000, 8,40,000, 8,40,000 और 25,000 कितने हो गए, 8,65,000। ठीक है, तो इधर आ रहा है 8,65,000। ठीक है, यहाँ आ रहा है 15,50,000, यहाँ आ रहा है 15,80,000 रुपये। तो किस साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड ज़्यादा है, तो ये जो अमाउंट है ये दोनों साइड आ जाएगा, 15,50,80,000 इस साइड और 15,80,000 इस साइड। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं, 8,65,000 रुपये का माइनस करेंगे 7,15,000 रुपये का, तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 7,15,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो थोड़ा गलत आ रहा है, यहाँ पे 4,15,000 आ रहा है, यहाँ पे 7,15,000 आ रहा है, 3 लाख रुपए की डिफरेंस अभी भी आ रहा है। 3 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे एडिंग गलत कर दी है, 7 और 3 10 होता है, तो यहाँ पे 10,50,000, 3 लाख का डिफरेंस ही आ गया, क्योंकि मैंने 3 लाख कम लिखे हैं, तो यहाँ भी 10,40,000 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको माइनस करेंगे तो 4,15,000 ही आएगा, तो ये 3 लाख यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर सही है, 3 लाख का जो डिफरेंस था वो यहीं पे था, इस तरीके से हमने इसको माइनस किया, 7,15,80,000 रुपये यहीं आएगा, 15,80,000 रुपये यहाँ आएगा, इनको डिफरेंस माइनस करेंगे तो ये माइनस करके 4,15,000 यहाँ आएगा। अब अगर ये इस साइड पे बैलेंस आ रहा है, जैसे कि जो हम बैलेंस निकालते हैं वो इस साइड आया है, तो उसको हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया इतना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ए वाला अवेलेबल फॉर सेल ये निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकाल दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हमने इस तरीके से निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग इन तरीके के क्वेश्चनों को करते हैं। अब आपका काम है जो सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, देखो अब इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, नेट सेल लिखी हुई है नेट सेल लिख दी, नेट परचेज भी दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस ये डायरेक्ट खर्चे हैं, यानी कि डायरेक्ट खर्चे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे नहीं आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। तो ये भी ट्रेडिंग का काम है, ये भी ट्रेडिंग का है, ये भी ट्रेडिंग का है, ये भी ट्रेडिंग का है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये आएगा, ये ट्रेडिंग में नहीं आता है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंस है वो हम प्रोडक्ट जब बना लेते हैं वो अलग से आता है। ठीक,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्रोडक्ट बनाने में तो सेलिंग का कोई काम ही नहीं है, तो जब प्रोडक्ट बना ही नहीं तो सेलिंग कहाँ से होगी। लॉस ड्यू टू फायर, लॉस भाई अभी तो प्रोडक्ट बनाया नहीं तो लॉस कैसे हो जाएगा, तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग में लिखोगे, जिस साइड आती हैं उसी साइड लिखोगे। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ यहाँ पे सेल, सेल रिटर्न, ठीक है ना, और क्लोजिंग स्टॉक ही आता है, बाकी सारे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी वो इस साइड ही आएंगी। तो पहले आपको तो यही करना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ठीक है ना, परचेज रिटर्न, ये आपने लिख दी इधर, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, इनके अलावा जो भी चीज़ें आती हैं वो ऑलमोस्ट यहीं पर आती हैं। अब उनमें से आपने बस ये देखना है कि डायरेक्ट खर्चे कौन से हैं। जो भी डायरेक्ट खर्चे होंगे जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल में आ रहे हैं वही खर्चे यहाँ पे आएंगे, इनके अलावा और कोई खर्चा नहीं आएगा। अब जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए सीधा सीधा खर्चा है वो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता तो यहाँ पे नहीं आता, डायरेक्ट खर्चे आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, भाई उसमें प्रोडक्ट बनाने में कौन से खर्चा आ रहे हैं उसमें, एक फ़ोन को अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस कुछ आ रहा है वो उसमें, नहीं आ रहा ना। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो भाई चिप चाहिए हमें, है ना, मोबाइल बना रहे हो, अगर चिप चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चे से क्या मतलब है इस प्रोडक्ट का, है ना, तो वो नहीं आएगा। अब ये जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो सेलिंग से क्या मतलब है इसका, सेलिंग भी नहीं आएगी। प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो भाई मेरे को लॉस कैसे हो सकता है, तो लॉस भी नहीं आएगा। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में बच गया है, रॉ मटेरियल वो, या फिर स्टॉक में कोई सामान हमारा जो बचा हुआ है वो तो आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बस डायरेक्ट खर्चे देखने हैं, इनडायरेक्ट खर्चे नहीं देखने। अब इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ जाते हैं वो हम कल देखेंगे, कल हम जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे उसमें, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।